24 घंटे में सीएम योगी के दो बड़े फैसलों से फिर गया विपक्ष की सारी रणनीतियों पर पानी। लोकसभा चुनाव से पहले फेंका ऐसा पासा कि अब नहीं काम आएगी कोई सियासी कारस्तानी। अब यूपी के हर परिवार को मिलेगा लाभ, अधिकारियों पर गिरेगी गाज। सीएम योगी के इस कदम से सिर्फ बीजेपी ही नहीं, प्रदेश की जनता को भी होगा उन पर नाज। योगी आदित्यनाथ की तूती सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब पूरे देश में बोल रही है। बाबा के कार्यों और उनकी बातों की मुरीद सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान की जनता भी है। पूरे उत्तर प्रदेश को सीएम योगी ने समृद्ध, विकसित और अपराध मुक्त प्रदेश के रूप में स्थापित किया। यही वजह है कि आज भारत की कई राज्यों की जनता योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहती है। लोकसभा चुनाव में अब करीब 9 महीने बचे हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के गढ़ में बीजेपी के अलावा किसी और का टिकना उतना ही असंभव है जितना रात में सूरज का दिखना, और उसकी एकमात्र वजह है योगी आदित्यनाथ। बाबा ने प्रदेश में जितना कार्य करीब 7 सालों में किया, उतना काम शायद ही 10 सालों में भी किसी राज्य के मुखिया ने लगातार किया हो। और इस दौरान बाबा ने कई फैसले लेकर विपक्ष को चौंका भी दिया। इसी कड़ी में एक और कदम उठाकर सीएम ने जनता को खुश कर दिया है, लेकिन माया अखिलेश सहित कई दलों को मायूस भी कर दिया है। लेकिन आखिर ये कौन सा फैसला है जिसने विपक्ष की 2024 की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने दो बड़े फैसले राज्य के लिए लिए हैं, जिसमें से पहला फैसला परिवार आईडी और दूसरा फैसला है ठेकेदारों की बोली को लेकर। जी हाँ, अब खराब छवि वाले ठेकेदारों की सिंचाई परियोजनाओं के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीएम योगी ने ये चेतावनी भी दी है कि इस निर्देश को लागू करने पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने साफ कहा कि खराब छवि के लोग सिंचाई विभाग की परियोजनाओं की ठेकेदारी में कतई प्रवेश न करने पाए। ठेकेदार चुनते वक्त बारीकी से इसकी पड़ताल करनी चाहिए, यदि ऐसा हुआ पाया गया तो उसमें किसी भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता मिली तो उसके खिलाफ भी मिलीभगत का दोषी मानकर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ एक और बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार हर परिवार की न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश में परिवार आईडी जारी कर रही है। सीएम योगी ने इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण ई पासबुक तैयार किए जाने और ऐप के माध्यम से परिवार आईडी को संचालित किए जाने की भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में बीजेपी ने संकल्प पत्र में हर परिवार को नौकरी देने और फैमिली आईडी कार्ड बनाने का वादा किया था। बता दें कि एक परिवार एक पहचान योजना के तहत राज्य के हर परिवार को परिवार आईडी मुहैया कराई जाएगी। इस आईडी के तहत राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित होगा। सरकार हर परिवार के कम एक सदस्य को रोजगार का अवसर मुहैया कराएगी और इन योजनाओं के जरिए बीजेपी में एक बड़ा मास्टर कार्ड खेला है, जिसके असर से प्रदेश की विपक्षी पार्टियां भी अपने आप को बचा नहीं पाएंगी।